आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं कश्मीर के रिलेटेड वीडियो है। फर्स्ट टाइम इन श्रीनगर एनएसटी ऑन ग्राउंड आई थिंक विजिट के लिए गए हैं। देखते हैं पहले वीडियो पर देते हैं अपना रिएक्शन। G20 समिट को लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG के कमांडोज लाल चौक के अंदर आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे फुल टीम इनकी ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार लाल चौक से दिखा रहे हैं, जहाँ पे पूरी तरीके से चेकिंग्स की जा रही है। और आप देख सकते हैं पहली मरतबा ये रियर केसेस देखने को मिलते हैं कि NSG नेशनल सिक्योरिटी जो कमांडोज हैं वो इस तरीके की चेकिंग करते हुए नजर आए। और G20 समिट की जो स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर यहाँ पे आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। घंटाघर के सामने आप मेरे सामने देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में हम आपको ये NSG के गार्ड्स और उनके साथ साथ में श्रीनगर पुलिस के कुछ टीम्स हैं, और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा पूरी तस्वीरें यहाँ से भी दिखाने की। और ये हर एक पॉइंट्स पे चेक किए जा रहे हैं कि किस तरीके के इंतजाम हैं। मैं लाइव तस्वीरें कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इनकी, और ये लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए इनके, ये सामने आप देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG। आमतौर पर ये सड़क पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और इस तरीके का कुछ इम्पैक्ट है ये स्पेशली आप देख सकते हैं। ये NSG की टीम है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी के इंतजाम, स्पेशल टीम है और जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स का ये देख रहे हैं। लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ से। ओके सर, ये आप लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल NSG की टीम जो पूरी तरीके से लाल चौक के अंदर मुआयना कर रही है, और G20 के स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर ये यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स है, उन्हीं के चलते आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से ये जो एक टीम थी NSG की वो यहाँ पे आई, और उसी के चलते अब पूरी तरीके से चेक करके यहाँ पर लाइव तस्वीर में देख सकते हैं ये हमारे स्पेशल NSG की टीम जो है, और इनके साथ साथ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम, ये NSG के फुल कमांडो टीम है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं NSG की फुल टीम और इनके साथ साथ में श्रीनगर पुलिस। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं, आमतौर पर आपको ये NSG की टीम ऐसे नजर नहीं आएगी, लेकिन खसूसी तौर पर लाल चौक के अंदर अभी आपको इस NSG की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये NSG की टीम पूरी तरीके से स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लगातार आपको लाइव तस्वीरें, और आमतौर पर आपको ये टीम सड़क पर नज़र नहीं आएगी, और ये तभी आती है और जब G20 समिट जैसे इवेंट्स हो। और कुछ पॉइंट्स पे इन्होंने चेकिंग की, और उसी के चलते अभी लाल चौक हार्ट ऑफ द स्ट्रीट के अंदर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करूँगा कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये NSG की फुल टीम है जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी फिलहाल ये आप देख सकते हैं, ये इसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये NSG की फुल टीम है, ये सपोर्ट है टीम इनकी। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि G20 समिट को लेकर किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स श्रीनगर के अंदर, और खसूसी तौर पर हार्ट ऑफ द सिटी लाल चौक के अंदर, जहां पे G20 समिट को होस्ट किया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंस इस साल कश्मीर को मिली है, और खसूसी तौर पर श्रीनगर के अंदर G20 के इवेंट को इख्तिताम किया जाएगा। और उसी के चलते NSG पहली मरतबा, ये रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि NSG के कमांडोज कहीं पे स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर नजर आए, और वही आज हार्ट ऑफ द सिटी घंटाघर के सामने इस तरीके की टीम जो है NSG की वो चेक करते हुए नजर आई। कुछ सिक्योरिटी इंतजाम जो है उन्होंने चेक किए यहाँ पे, और यहाँ से चेक करने के बाद निकल गई। वीडियो भी खत्म। ये NSG कमांडोज नेशनल सिक्योरिटी कमांडोज गार्ड्स थे, जो कि वो बता भी रहा था बाद वीडियो में भी, ये आमतौर पर सड़कों पर नजर नहीं आते। या जब कोई इंटरनेशनल को वक्त आना होता है, या कोई इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, या कोई इंटरनेशनल बंदे आते हैं,
उनके लिए स्पेशल ये फोर्स होती है और वो श्रीनगर का दौरा कर रहे थे कि अमन अमान की सूरत हाल देख रहे थे उन और उधर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल चेक कर रहे थे कि कोई शर पसंद कोई प्रोपेगंडा करने वाला हमारे जो G20 का समिट है उसको सबोटाज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा या कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो की जा रही। सारी बात है ये पूरी दुनिया में समिट देखा जाना था और पूरी दुनिया से लोगों ने आना था तो ये बड़ा रिस्की भी काम था और इससे इंडिया की इमेज भी बेहतर हुआ है। जब ये G20 समिट होकर गए हैं अब लोग पिक्स जाहिर की हैं उन्होंने शेयर की हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब ट्विटर पर तो इससे उनको दुनिया को जाहिर हो गया कि भाई उधर के जो लोग हैं ना जम्मू कश्मीर जो हमें बताया जाता है जम्मू कश्मीर में उधर दहशतगर्दी है टेररिज्म है उधर पाबंदियाँ हैं कर्फ्यू है फलां है धमकाएं वो ये बावे कराने में कामयाब हो गए इंडिया उधर ऐसा कुछ नहीं है। देखे शॉप्स भी खुली थी और लोग कैमरा मैन को भी पूरी आज़ादी थी कि वो उनकी फुटेज बना रहे थे या कोई किसी की रोक टोक नहीं थी ले और वो कामयाब भी हो गया। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया 110% कामयाब हो गया है इस चीज़ में कि वो अपने कश्मीर को एक पुरसकून और पुरकशिश माहौल बनाने में कामयाब हो गया। जी देखिए भाई आपने कहा है कि जी जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो है ना इनकी जो कमांडो या आर्मी वगैरह ये पहले नज़र नहीं आती इस वजह से क्योंकि ये कभी कैमरे के सामने नहीं आई। अभी ये कैमरे के सामने आ गई है जिस तरह भाई वो असद भाई ने कहा था ना कि जो 12 लाख की जो इनकी आर्मी है ये तो नहीं थी ये कौन सी 12 लाख थी ये तो गिनती के थे 12 लाख ये वाकई सच बात है। ये तो कहते हैं कि कश्मीर में अमन अमान बहुत ज्यादा है अमन अमान कोई इधर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर ये सिक्योरिटी चेक करने के लिए किस लिए आ रहे थे। अच्छा बात सवाल तो ये है ना कि ये कहते हैं कि यहाँ पर अमन अमान है तुम्हारे सवाल का जवाब है ना कि पाकिस्तान में जब या यूएसए कर ले यूएसए में जब इस तरह का समिट होता है या यूके कर ले उनके साथ सिक्योरिटी क्यों आती है भाई वो तो वहाँ पर जो होता है ना वहाँ पर दंगे फसाद होते रहते हैं यूएसए में दंगे होते हैं। अच्छा एक मिनट स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा होती है समिट वगैरह यूएनए के सबसे ज्यादा समिट वगैरह कर ले या इस तरह की बड़ी जो इंटरनेशनल समिट है ना वो स्विट्जरलैंड गार्ड है उधर फिर क्यों सिक्योरिटी साथ होती है वो तो दुनिया का सबसे पूरा मन समझा जाता है मुल्क स्विट्जरलैंड वो खूबसूरत भी है ना भाई तो सिक्योरिटी क्यों होती फिर उधर क्यों सिक्योरिटी भाई वो तो जरूरी है ना वो जब होता है ना तो उसके साथ इधर जरूरी है वो जरूरी है इधर जरूरी नहीं ये उससे पहले है लाजमी बात है भाई जितना भी मुल्क कोई सेफ होगा ना तो सिक्योरिटी लाजमी होगी किसी भी मुल्क में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अच्छा जो अभी व्हाइट हाउस जो है जो व्हाइट हाउस है ना अमेरिका हाँ जो उनका जो सदर उनके घर के पास जो जो जिस बंदे ने ट्रक मारा ना वो था इंडियन लड़का एक वो क्या नाम उसका उसका नाम तो मुझे नहीं याद लेकिन जो है ना इंडियन था एक रिपोर्ट है कि वो उससे पहले जो इनकी जो पहले जो सदर आए इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और इनकी फैमिली को भी पहुंचा रहा है पता नहीं ये इसका क्या वजह है उसकी उस बात का इस बात से क्या तल्लुक भाई बात का तल्लुक तो नहीं मैं वैसे आपने कहा ना कि वहाँ पर जो अमेरिका यूएसए में भी इस तरह का कोई समिट हो तो वहाँ पर सिक्योरिटी होती है तो वो किस वजह से हो रही है तो मैंने कहा दंगे फसाद होते तो आप कह रहे हैं कैसे होता है तो इसलिए मैंने ये बताया है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब भाई क्या कहें तो इनका ये जो श्रीनगर में गश्त कर रहे थे तो इनका भी यही मकसद था कि जहाँ पे समिट होना है तो वहाँ पे गिरदो नवाब में कोई ऐसी तकरीब कारी ना हो या कोई ऐसा मसला मसायल हो जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी पे कोई हरण पाए तो जाहिर सी बात है जब इंटरनेशनल वफद आते हैं तो इनकी सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। देखें कि वो कहते हैं काम इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं इतनी कर रही हैं वो मुझे पता है वीडियो तक वो कर रहे हैं वीडियो की मैं दो तक है हाथ तक तो उनका रोड देखें पीछे वो वीडियो में दिखाई दे रहा है सी बात है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा चल रहा नहीं बूढ़े बूढ़े तो होंगे वो ही मैंने बात की थी कि अभी समिट होना है ना वो हो चुका है चलो वो तो हो चुका है ना उस वजह से अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं नहीं तो इससे पहले इतना कुछ भी नहीं था क्या तुमने उधर देखा तो रोड के इसका हालत देखे कि इतनी गंदी वहाँ पर सड़क रोड साफ था उसके साथ वाला जो थोड़ा सा एरिया था ना आई थिंक वो अभी रिपेयर होने वाला है जिस तरह में वीडियोस में इंडियन भाई जो बताते हैं रंग के बाद में मतलब जो रोड के साथ जो है ना जिसको लिंक रोड कहते हैं या सर्विस एरिया कहते हैं रोड भी इतना अच्छा नहीं था इतना अच्छा है मामूली सा रोड था इस तुम्हारे अच्छे जो कश्मीर पाकिस्तान तो कश्मीर उसमें है
नहीं तो श्रीनगर में वो वहां पे मोटरवे बना देते हैं। नहीं यार वहां से और है ना, मोटरवे तो होती है ट्रांसफर जो दूसरी, ये और है, ये तो आम पब्लिक के लिए है ना, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बात आप सही कर रहे होंगे लेकिन समझ में नहीं आ रही। ना समझ में नहीं, रोड ठीक था, फुटपाथ खराब था यार। ये क्या सी बॉम्बिंग है? मैंने कहा यार लो जी ना नया छापर आ गया, रोड था नहीं वो जहाज फिजा में चल रहा है, फिजा नहीं फिजा में चल रहे। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह इंडियंस कहते हैं ना कि हम इतने करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस सड़क पे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ जितने वो सुनाते हैं इतना वो कर नहीं रहे वहाँ पर। अच्छा आप देख रहे हैं वो वीडियो के अंदर कि वो जो था ना अपना शॉप के सामने वाला फुटपाथ वाला एरिया, उसके ऊपर भी वो टाइल वगैरह लगी हुई, टॉप टाइल लगी हुई, लगा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा फिर उखाड़ लेनी, अभी दिखाने फिर उखाड़ लेनी, फिर क्यों उखाड़ ली उन्होंने? तुम खा लो लोगों को दिखा दो, उखाड़ इससे पहले तो नहीं ना किया, बात मेरा करने का ये मतलब तो है इससे पहले यार जो भी मकसद था किया था, तुमने क्या किया कश्मीर में? देख लेंगे क्या क्या बात, कभी गए हो जाके वीडियो शेबा की देखो, जाके वीडियो अनम शेख की देखो कश्मीर की, तुम्हें लग पता जाए क्या किया। मुझे तो पता उनका जो है ना उनके सिर पर ये काम है कि बात मुझसे की है, बात नहीं है कि वो तकीकार है और हम जा रहे हैं बात से मिलते हैं। वीडियो बनाया था, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।